तो भाई लोग कैसे हो? तो आपको पता ही है ये क्या है, ये गेम प्ले वीडियो है जिसमें मैं बीच में वॉइस ओवर करके आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और यार वीडियो शुरू होने से पहले ये बता दो कि आपको रैंक पुश के ऊपर एक वीडियो चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, और अगर 1000 कमेंट हो जाते हैं तो मैं कल ही कल निकाल दूंगा वीडियो, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए हैं पोचिंग की में, तो देखते क्या होता है कैंपिंग के अलावा। और मेरी थोड़ी सी वॉइस ख़राब है अभी, तो उसके लिए सॉरी यार। अंदर वाले रूम में? नहीं, यहाँ नहीं, कहाँ पे था? तो पोचिंकी में कैंपिंग का लेवल बहुत ही अलग होता है, ठीक है? बहुत ही हाई लेवल कैंपिंग होती है, आपके सोच से परे कैंपिंग होती है यहाँ पे। तो इसलिए जब भी किसी घर पे जाते हो हमेशा कॉर्नर्स चेक करना, क्या पता आपको कोई कैंपर मिल जाए। और मिल भी जाए ना, तो गोली तब तक चलाना जब तक उसका डिब्बा ना बन जाए, ठीक है? हरा धुआं ना आ जाए वहाँ से, तब तक चलाना गोली, रोकना मत चाहे कुछ हो, ठीक है? रोकना मत गोली प्लीज़। नहीं, वो उसी घर में कैम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, शायद मैं घुस रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं भी इस कमरे में घुसने वाला था अपने टीममेट के साथ, पर मैं वापस चला गया क्योंकि मुझे आवाज़ आ गई थी ग्रेनेड की। तो मुझे लगा कि भैया ग्रेनेड यहीं कहीं होगा और दो बंदे नॉक हो जाएंगे खामखा, तो मतलब सही गलत चीज़ हो जाएगी बिल्कुल। इसलिए मैं वापस गया थोड़ी देर के लिए। फिर जब ग्रेनेड फट गया और पता चला कि ग्रेनेड उसी कमरे में था, तो मैं वापस आ गया ऊपर चढ़ने और पेल दिए बंदों को। ये रहा मेरे पास, ऑल राइट। बढ़िया, कुत्तों की तरह भाग रहे हैं इधर उधर। बहुत बढ़िया, कर रहा हूं मैं। अबे लेफ्ट सामने वाले, के ब्लू ब्लू उधर ब्लू भी सामने, लेफ्ट ब्लू वही। भाई, अंदर रश मत कर, अंदर 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 रश मत कर यार। एक और नॉक, ऑल डेड ऑल डेड ऑल। नहीं, भाई केस पूरा खाने वाला था, केस को। तो यहाँ पे उस बंदे को पता था कि भैया मौत आ गई है उसकी, तो वो कोशिश कर रहा था कि भाई मुझे पूरा फिनिश कर दे, बट लकीली मैं बच गया, अपने बंदे आ गए, पर हमारा एक पबजी टीवी चला गया, ठीक है? उसे खा गए वो, कुछ नहीं कर सकते थे हम। बहुत कन्फ्यूज़न हो गई थी यहाँ पे, चारों तरफ से हम लोग भाग रहे थे इधर उधर। तो यही होता है यार पोचिंग की में, घर घुर बहुत सारे होते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पे है और कौन कहाँ से आ सकता है। इसलिए अगर पोचिंग की उतरते हो तो ये कन्फ्यूज़न तो होगी ही होगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ Bring up voice chat. वो लूट रहे हैं, कौन लूट सा रहे हैं। है? अब एक यहाँ पे भी है, केस टू केस टू केस टू के। बहुत ही गलत किया यार। हाँ तो यहाँ पे मेरे से एक गलती हुई कि मैं भी वहीं पे टीपीपी लेने लग गया, वहीं से कवर लेके फायर करने लग गया जहाँ पे मेरा पार्टनर फायर कर रहा था, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, वो भी ब्लॉक हो गया और मैं भी ब्लॉक हो गया, बंदे नॉक हो गए दो लकीली, बट ये गलत था, ठीक है? तो देखो अगर जब फाइट चल रही है ना तो कोशिश करो कि अलग अलग पोजिशन में रहो, ठीक है? गलतियाँ हो जाती है कभी कभी। तो और ये भी फ़ायदा होता है अलग रहने से कि भाई नेड आ गया तो एक ही बंदा नॉक होगा, पूरी टीम नहीं मरती। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि भाई चार के चार बंदे ख़त्म हो जाते हैं बस एक नेड से, और हमने ऐसा किया भी है कई बार कि चार के चार बंदे खा गए हम बस एक ही नेट से। तो डिस्टेंस बनाओ, अलग अलग जगह से टीपीपी लो, एडवांटेज भी होता है इसका। ब्लॉक हो गया था, मतलब मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया था। जो भी हुआ दोनों यहीं फंस गए, मैं हट ही नहीं पा रहा था यार।
मैं हटना चाह रहा था यार, मुझे पड़ रही थी बार बार। पहुंच किधर जाएगा क्या है? नेड? आ जाओ रश कर देते, आ जाओ रश कर दे, मुझे कवर देना या फिर मैं रश कर रहा हूँ। भाई प्रोन है, प्रोन है, प्रोन है। केस्टू नहीं, स्मोक स्मोक फिर स्मोक। तू प्रोन हो जा। एक पार तो भी चल। अरे कोई है? केस्टू। ये ऑल डन। हो गया ना सब? अरे रिवाइव कर, रिवाइव कर। जल्दी जल्दी, जोन आ रहा है, जोन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ना पहले डिसाइड कर लो कि आप करने क्या जा रहे हो, ठीक है? और वही करो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप मर जाओ, ठीक है, चाहे आपकी पूरी टीम मर जाए, पर वही करो, ठीक है? बीच में डिसीजन चेंज करने से कुछ सही नहीं होता, ठीक है? बीच में डिसीजन चेंज करने से और चांसेस कम हो जाते हैं कि कुछ भी अच्छा होगा, ठीक है? इसलिए जो करने जा रहे हो वही करो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और यहाँ पे अगर मैं पीछे भगता तो हो सकता है हमारा पापा पार्टनर मर जाता है यहाँ पे, खा जाते, क्योंकि सांप बन चुके थे बंदे, ठीक है? तो मैंने डिसाइड किया कि भैया स्मोक में ही जाऊंगा, क्योंकि स्मोक से थोड़ा कवर भी मिल जाएगा और सांप ही तो है यार, पेल देंगे सांपों को, ठीक है? तो यहाँ पे हम बच गए इस बार। और अगर मैं ये डिसाइड करता कि भाई मैं तो अपनी जान बचाऊंगा, मैं पीछे भागूंगा, तो यहाँ पे हमारे शायद दोनों पार्टनर ही मर जाते और शायद मैं भी मर जाता बाद में। ठीक है चल, तू नॉक हुआ। कूदता वगैरह है मेरे पास। हाँ मैं जंप मार रहा था सोनू में। हाँ मरता क्यों, नॉक ही होता। अरे खुले में जोन क्या करने का? तो यहाँ पे हम जोन में ही थे, ठीक है, और हमारे पास कवर भी था, तो हमने सोचा भाई क्यों पंगे लेना, जब जोन भी है, अच्छा सा कवर भी है, ठीक है, ये छोटा सा घर, काफ़ी कवर मिल रहा था इससे, अपने पास गाड़ी भी है, तो और क्या चाहिए भाई। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम यहीं पे होल्ड करेंगे और जो नेक्स्ट सर्कल होगा उसके अकॉर्डिंगली हम अपना नेक्स्ट मूव प्लान करेंगे, ठीक है? तो तब तक हम यहीं पे होल्ड कर रहे थे, तो शायद कुछ गाड़ियाँ आएंगी अब। नहीं 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 स्क्वाड हाउस नहीं, स्क्वाड हाउस डाउन है भाई, बंदे फिर आने नहीं दे। गई गई पक, मेरा फोन गिर गया। अरे देखा मैंने, बहुत डेंजर था। नहीं, गिर गया। उसको किधर लेके जा रहे हैं लोग? ये हम लोग खुले में क्यों आए? तो यहाँ पे मैंने एक और गलती कर दी थी ऑलमोस्ट, कि मैं खुले में भग रहा था और वो मैं असल में अपनी किल कंफर्म करने जा रहा था जिस बंदे को मैंने नॉक किया, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ वाला मूव था। तो बीच में याद आ गया मुझे कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं वापस आ गया, ठीक है? तो किल के पीछे मत भागिए प्लीज़, किल मिल जाएंगी, चिकन पे फोकस करिए अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं खासकर। अरे वो बचेगा नहीं, दिख रहा भी नहीं अपने को। स्मोक किया उन्होंने। चल घुस तो, चलते चल चल। अरे तो यहाँ पे मैंने गाड़ी ली और मैं जोन का भी वेट कर रहा था कि भाई जोन आ जाएगा तो उसी हिसाब से हम चल देंगे, ठीक है? और गाड़ी लेने से ये भी फ़ायदा हो गया कि लोगों ने हम पे फायर किया और हमें उनकी पोजीशन भी पता चल गई। तो एक बार गाड़ी घुमाने के बाद मैं वापस आ गया कवर पे और बस अब वेट कर रहे थे कि जोन आएगा, फिर अपना नेक्स्ट मूव प्लान करेंगे। जोन हम पे ही है। जी 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 एक ही बंदा अरे एक बाकी ही है। रोंडा टाइटन बेटा। ने पेल दिया। चलो चल पैन मेरे पास। नहीं 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 पेल देगा वो सबको। तो यहाँ पे हम पहले बंदे को पैन करने वाले थे, पर फिर याद आया कि भाई उस पे M249 है, तो रिस्क क्यों लेना है ना? और वैसे भी रैंक पुश कर रहा था मैं इस टाइम पे, तो यार मैं चाहता नहीं था कि भाई फर्स्ट आने की जगह सेकंड आए और थोड़े से कम पॉइंट्स प्लस हो, ठीक है? तो इसलिए हमने बस डिसाइड किया कि देखते हैं भाई बंदा कहाँ पे लेटा है और उसके बाद उसे आराम से पेल देंगे। तो मैं गाड़ी बस घुमा रहा हूँ अभी। टाइटन फॉल। वो मुझे लग रहा है ना वहाँ एनिमीज पे अहेड। जो ओपन ट्रक होता है ना उसमें है। हेलो टाइटन जी, कहाँ हो आप? बाहर है। अच्छा हेलो हेलो टाइटन जी, कहाँ हो आप?
स्प्रिंट करके ना काट देना वो थोड़ा सा जो मैंने कहा था। पक्का हाँ फिर मुझे गाली देंगे कमेंट करने वाले। हो रहा मार्क कर रहा हूँ। एनिमीज़ अहेड। ना वो खड़ा हो गया था तुम लोग पे शूट करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि हम तीनों की तीनों गाड़ी में नहीं है, ठीक है। उसकी सिर्फ एक ये अकेली वजह है कि उस बंदे पे M249 है, ठीक है। और वो आराम से गाड़ी को उड़ा देगा जैसे हम उसके अगल बगल से निकलेंगे। वैसे भी सांप बना है वो, हमें पता नहीं है कहाँ पर है, तो वो गाड़ी से उड़ा देगा हमें M249 से, जो कि बहुत ईजीली हो जाता है गाड़ी उड़ाना M249 से। तो इसलिए हमने एक बंदे को नीचे ही छोड़ा था कि भाई अगर हम पे फायर करने के लिए उठता है वो, जो कि वही हुआ, तो वो फायर कर देगा हमारा बंदा और विनर विनर चिकन डिनर। तो बहुत बहुत थैंक यू भाई लोग देखने के लिए, घटिया वॉइस के लिए बहुत बहुत सॉरी यार। और वीडियो चाहिए रैंक पुश पे तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बहुत बहुत थैंक यू भाई लोग देखने के लिए। बाय बाय।